Good morning, students. Let's start our new chapter, and the chapter name is Me, Her, Him, Us, Them. Okay, students. Today I will teach you about this topic. Okay, let's come to the topic. I am Sue. Mothers love me. मैं सू हूँ. मदर मुझे प्यार करती है. माँ मुझे प्यार करती है. We use me to talk about ourselves. हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि me हम लोग use करते हैं जब अपने बारे में हम लोग बात करते हैं, तब हम लोग use करते हैं me. Second point, he is singing a song. Grandma taught him the song. We use him to talk about a boy or a man. हम लोग him use करते हैं जब किसी लड़के के बारे में या किसी मैन के बारे में, आदमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं हीम. अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि हम लोग ही यूज़ करते हैं बॉय और मैन में. सेम वही, ठीक है स्टूडेंट्स. हीम हम लोग यूज़ करते हैं बॉय या मैन के लिए. थर्ड में देखिए, सी इज़ रीडिंग ए बुक. आई गेव इट टू हर. वह किताब पढ़ रही है. मैंने किताब उसको दिया है. वी यूज़ हर टू टॉक अबाउट ए गर्ल और ए वुमेन. हम लोग कभी भी अगर हम लोग हर यूज़ करते हैं, तो हर हम लोग यूज़ करेंगे लड़की या वुमेन, औरत के लिए, ठीक है. जैसे सी हम लोग यूज़ करते हैं, हर भी यूज़ होगा गर्ल और वुमेन में. फोर्थ में आ जाइए. वी आर गोइंग टू द पार्क. अजय विल मीट अस देयर. हम लोग पार्क घूमने जा रहे हैं. अजय वहाँ पे हम लोग से मिलेगा, ठीक है. वी यूज अस टू टॉक अबाउट पीपल इंक्लूडिंग आवर सेल्फ. हम लोग अस हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे बहुत सारे पीपल होंगे और उसमें हम भी शामिल होंगे, ठीक है. चार पांच लोग हैं तो उसमें हम भी शामिल अगर वहाँ उसमें हो रहे होंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे अस. दे आर, अब नेक्स्ट टॉपिक, दे आर नॉट एट होम. मदर टूक देम शॉपिंग. वो लोग घर में नहीं है. मम्मी वो लोग को शॉपिंग में लेकर चले गई है. वी यूज देम टू टॉक अबाउट अदर पीपल. अगर हम लोग को किसी और के बारे में बात करना होगा, किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करना होगा, तो हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे देम. ओके स्टूडेंट, अब देखिए, वेयर आर यू. अनीता इज वेटिंग फॉर यू. तुम कहाँ हो. अनीता तुम्हारा वेट कर रही है. वी यूज यू फॉर द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. हम लोग यू यूज करते हैं जब किसी इंसान से हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यू यूज करते. तुम, हम लोग किसी से बात करते तो हम लोग तुम बोल के बात करते, ठीक है स्टूडेंट, और उसी का मतलब होता है यू. The dog is barking. It is hungry. Give it some food. जो कुत्ता जो है वो भौंक रहा है, वह भूखा है. Give it some food. उसको खाना दो. We use it to talk about animals, things and places. हम लोग कभी भी हम लोग it use करेंगे animals, जानवर, things, कोई भी सामान और places, किसी भी जगह के लिए हम लोग use करेंगे it. Okay student, now come to the question 1, filling the blanks. अब यहाँ पे देखिए, filling the blanks with him, her, us or them. One has been done for you. हम लोग यहाँ पे fill up करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी. Him, her, us और they. हम लोग यहाँ पे fill up करेंगे. Sarah and Anna. ये लोग के लिए क्या use होगा, तो them. ये लोग दो है तो देम. द बॉय के लिए यूज होगा हीम. लड़के के लिए हमेशा हम लोग हीम. द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स के लिए यूज होगा देम. डी नंबर, जेम्स एंड आई के लिए हम लोग है, तो इसके लिए यूज होगा अस. द वुमेन के लिए हम लोग यूज करेंगे हर. ग्रैंडफादर के लिए हीम. Okay, students, now come to the exercise 2.
टिक द करेक्ट वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें से जो सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम लोगों को देखना है कौन सही है, उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर उसमें दिया हुआ है। ए में दिस इज ए बॉल, कैट, दो ऑप्शन है ईट और मी। तो बॉल थिंग है तो हम लोग यूज करेंगे कैच इट, कैच इट सही है। द फर्स्ट मैन गिव, दो ऑप्शन है मी एंड आई, तो द फर्स्ट मैन गिव मी ए लेटर। सी द टीचर इज स्पीकिंग टू अस या वी में, तो द टीचर इज स्पीकिंग टू अस, टीचर हम लोग से बात कर रही है। डी नंबर में माई मदर सॉ सूजी एंड यू एट द मॉल, मेरी मम्मी सूजी और तुमको मॉल में देखी। ई नंबर में आई एम गोइंग टू द जू विथ देम, यहाँ पे लगेगा देम, मैं उन लोगों के साथ जू जा रहा हूँ। एफ नंबर में सी इज ए गुड डांसर, आई लाइक टू वॉच हर डांस, ओके, वो अच्छी डांसर है, मैं मुझे उसका डांस देखना पसंद है। जी नंबर में मदर विल हेल्प मी टू, मदर विल हेल्प मी डू द वर्क, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मदर विल हेल्प मी डू द वर्क, ओके, मदर मम्मी जो है मेरा हेल्प करेगी होमवर्क कराने के लिए। आई वॉक टू स्कूल विथ हीम एवरी डे, यहाँ पे लगेगा हीम, मैं उसके साथ हर दिन स्कूल जाता हूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन 3, रिप्लेस द वर्ड्स इन बोल्ड विथ वर्ड्स गिवन बिलो, राइट देम इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट वाला जो है वो आंसर उसमें लिखा गया है और बाकी हम लोग को फिलअप करना है कि क्या ऑप्शन सही होगा। बी नंबर, ए नंबर में आई बाउट ए गिफ्ट फॉर जैक एंड जील, तो इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, देम, दो लोग हैं तो देम। देयर इज इनफ कैंडी फॉर यू एंड मी, ठीक है, यू एंड मी है तो इसमें हो जाएगा अस, हम बहुत ज़्यादा कैंडी है तुम्हारे लिए और मेरे लिए, जब यहाँ पे यू एंड मी का बात हो रहा है तो इसमें हो जाएगा अस। सी नंबर में सू बेक्ड ए केक फॉर डैन, सू जो है डैन के लिए वो केक बनाई है तो इसमें हो जाएगा हीम, क्योंकि डैन लड़का है, लड़का के लिए हम लोग हीम यूज करते हैं। डी नंबर में द फ्लावर्स आर फॉर टीना, ये जो फूल है टीना के लिए है, टीना इज ए गर्ल तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे हर। ई नंबर में आई रियली लाइक माई न्यू टॉय, ठीक है, मुझे मेरा नया टॉय मुझे बहुत पसंद आया तो इसमें हो जाएगा इट, क्योंकि जो टॉय है वो थिंग है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।